जो गुड मॉर्निंग, हम आपको आज आपके व्याकरण सृष्टि यानी व्याकरण की बुक से पाठ एक पढ़ाएंगे। इसके पहले आइए आपका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस पहला पाठ है आपका भाषा और व्याकरण, दूसरा वर्ण विचार, तीसरा उच्चारण वर्तनी, चौथा संधि, पांचवा शब्द विचार, छठा पाठ है आपका शब्द भंडार। और शब्द भंडार में ही आपका आता है पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल और वाच्य, अविकारी शब्द, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, मौखिक अभिव्यक्ति। ये आपका सिलेबस है बच्चों। इसमें से अगर समय रहा तो सभी पढ़ाएंगे, नहीं कुछ चैप्टर लास्ट का हमने कटवाएंगे। फिलहाल आज शुरू करते हैं भाषा और व्याकरण। बच्चों, हम सभी, आप, हम सभी लोग अपने बातों को, अपने विचारों को कई तरह से व्यक्त करते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन गए होंगे तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि गार्ड हरी झंडी या लाइट दिखाकर ट्रेन को चलाने का संकेत, इशारा करता है। बस पे अगर आप बैठे होंगे तो देखे होंगे कि बस कंडक्टर, जो चालक होता है, अलग प्रकार से सीटी बजा कर या इशारा करता है चलाने का। और अलग प्रकार से जब बस रोकना रहता है तो उसकी जो सीटी की आवाज़ होती है अलग होती है। इससे ड्राइवर समझ जाता है कि गाड़ी रोकना है या चलाना है। इसी प्रकार वक्ता अपना जब भाषण देता है तो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम सभी अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं। बच्चों, भाषा की परिभाषा है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ है, जिसका भाष शब्द का अर्थ होता है वाणी। ईश्वर ने सिर्फ मनुष्यों को ही सोचने विचारने की शक्ति दी है। पशु पक्षी सभी अपनी आवाज़ में एक दूसरे को भाव को कहते हैं और समझते हैं। मुख से ध्वनियाँ निकालना भाषा नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने मुख से ध्वनियाँ निकालकर अपनी बात समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं कहलाएगी। धीरे धीरे जब वह अपनी माँ और परिवार के बीच में बच्चा सार्थक ध्वनि उच्चारित करता है, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाता है, इन्हीं छोटे छोटे वाक्य वह भाषा सीखता है। बच्चों, भाषा वैसे तो तीन भेद होते हैं, लेकिन आपके बुक के अनुसार भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। आप फिफ्थ क्लास पढ़े होंगे, एक सांकेतिक भाषा भी होती है जो इशारों से समझाया जाता है। मौखिक भाषा को हम मुख से बोलकर अपने भाव विचार को व्यक्त करते हैं। जैसे आप टीवी देखते हो तो टीवी में सिर्फ सुन पाते हो, भाषण हुआ, बातचीत हुआ, नाटक, रेडियो प्रसारण, ये सभी चीज़ें मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा में हम अपने भाव और विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक हम सभी श्याम पट पर आपको लिखकर समझाते थे और आप ब्लैक बोर्ड से उतारकर उसको कॉपी में लिखते थे, तो यह है लिखित भाषा का उदाहरण। लिखित भाषा में सारे सरकारी कार्य, संविधान, जो प्रामाणिक, विश्वसनीय और अस्थाई होते हैं, वो सारे लिखित भाषा में किए जाते हैं। विशेष यह है कि संकेतों के द्वारा भी मनुष्य अपने मनोभावों को व्यक्त करता है, लेकिन यह भाव विचार अस्पष्ट या अपूर्ण होता है, सबको समझ में इशारा नहीं आता। इनके द्वारा न तो आप अपनी इच्छा को व्यक्त कर पाते हैं, ना प्रकट कर पाते हैं और ना भली भांति उनके बातों को आप समझ पाते हैं।
बच्चों इसी भाषा को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मातृभाषा। मातृ यानी माता की भाषा, बच्चा अपनी माँ या परिवार द्वारा जो सीखता है वो मातृभाषा है। बालक का सर्वप्रथम परिचय अपनी माँ से होता है, परिवार से होता है। यदि माँ बंगाली है, मराठी है, हिंदू है तो बालक भी वही भाषा बोलेगा, मराठी बोलेगा या बंगला बोलेगा या हिंदी बोलेगा। यदि परिवार द्वारा उड़िया बोली जा रही है तो बच्चे की मातृभाषा उड़िया होगी। मतलब माँ जो बोलेगी बच्चा वही सुनकर सीखता है और बोलता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रभाषा, जिसका प्रयोग पूरा देश करता है, अधिकांश नागरिकों द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वह राष्ट्रभाषा है। बच्चों भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% नागरिक करते हैं और किसी न किसी रूप में किया जाता है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। नेक्स्ट आता है राजभाषा। राजभाषा यानी जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाए, सारे कामकाज सरकारी जिस भाषा में किया जाए वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा में अंतर है, इसे एक नहीं समझना चाहिए। राजभाषा जो सरकारी कार्य वगैरह किया जाता है वो राजभाषा है। राष्ट्रभाषा जिसका प्रयोग अधिकांश नागरिकों द्वारा किया जाता है वो राष्ट्रभाषा है। भारत में कार्यालयी कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए करते हैं वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। भारत हमारे देश की संपर्क भाषा हिंदी है या तथा विश्व की संपर्क भाषा इंग्लिश है। बच्चों इसको यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।